नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का एमबी न्यूज़ 27 में। राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ एक ही भावना रखते हैं, बिना राय विजयन। आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी, निगरानी सूची में बना रहे एफएटीएफ। सीएम अरविंद केजरीवाल की जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं हुई कम, दिल्ली पुलिस ने खारिज की रिपोर्ट। रिहा हुए दिल्ली दंगों के 3 आरोपी, रवीश कुमार के प्राइम टाइम ने लौटाया फैमिली टाइम। तांडव विवाद में अमेजन के शीर्ष अधिकारी को गिरफ्तार से कोई राहत नहीं। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास मिली विस्फोटकों से भरी संदिग्ध कार, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने दी जानकारी। हिंदू महासभा के बाबूलाल चौरसिया के एंट्री से कांग्रेस में घमासान, पूर्व पार्टी अध्यक्ष ने लिखा बापू हम शर्मिंदा है। शरारतपूर्ण ट्वीट या संदेश की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति के नाम बताना होगा जरूरी, सरकार ने कहा। 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में वांछित नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है, ब्रिटेन की अदालत ने कहा। गलत खबर दी तो छवि खराब की तो डिजिटल न्यूज मीडिया पर भी होगी कानूनी कार्रवाई। भारत पाक संघर्ष विराम, दिसंबर से बैक चैनल बातचीत कर रहे दोनों देशों के एनएसए। अंतरिक्ष में गूंजेगा गीता का संदेश, पीएसएलवी रॉकेट के साथ भरेगी उड़ान। एनएसए की बैठक में बनी थी चीन को चित करने की रणनीति। आयरलैंड सरकार भारतीय छात्रों को देगी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भरी अखंड भारत की हुंकार, कहा भारत से अलग हुआ पाकिस्तान संकट में जी रहा है। भारत अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने की आपसी सहयोग की पर बात। दोनों शिफ्ट में बिहार बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बाध्यकारी नहीं, शिक्षा मंत्री। तेजस्वी ने मुकेश सहनी से कहा चुप रहिए, आप रिचार्ज कूपन है, पहले अपनी चिंता करें। तेजस्वी का दावा, बिहार दूसरा सबसे भ्रष्ट राज्य, 75% काम बिना घूस के नहीं होते। सीतामढ़ी में दारोगा को गोली मारने के बाद क्रिस्टल ने भागे थे अपराधी, पुलिस ने बरामद किया हथियार। खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27। धन्यवाद।